बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है, कांग्रेस अखिलेश में बात बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कांग्रेस पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। अब देखिए, गठबंधन को लेकर कल तक तो ये खबर आ रही थी कि गठबंधन पर जो है वो बातचीत टूट चुकी है, बातचीत नहीं हो पा रही है, बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है, अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। ये बड़ी खबर। एक और, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी भर में घूम रहे हैं, और दूसरी ओर गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा था कि तस्वीर क्या होगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन होगा। इस पर बड़ा बयान दिया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि गठबंधन होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात बन गई है, ये कहा जा रहा है। लगातार मंथन का दौर भी चल रहा था, बातचीत लगातार चल रही थी, इसी बीच बड़ी खबर। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि गठबंधन तो होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। और मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उबैदुर रहमान, कल तक तो कहा ये खबर आ रही थी कि बातचीत जो है वो अब ठप हो गई है, बात नहीं बन पा रही है, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का। जी हाँ दीपा, आपने सही कहा, अखिलेश यादव आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं, और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन पर पेट जो फंसा हुआ है, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा। और हम आपको बता दें, जो सूत्र रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मुरादाबाद की सीट है और बिजनौर की नगीना सीट है रिजर्व सीट, इसको लेकर के कांग्रेस ने मांग की थी समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है सीटों को लेकर के, और मुरादाबाद की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में आई है। अभी अखिलेश यादव जो है वो डॉक्टर एस के सिंह जो सपा सांसद हैं उनके साथ कार में हैं, और ये लोग जा रहे हैं अभी जो संभल के सांसद है डॉक्टर शफीकुरान बर्क, उनका हाल जानने के लिए। एक निजी अस्पताल में वो एडमिट हैं पिछले कई दिनों से। तो अखिलेश यादव पहले ठाकुर द्वारा पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक जो विधायक है नवाब जान उनके बेटे की शादी हुई थी, तो जो दंपत्ति है नव दंपत्ति उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद अभी अभी मुरादाबाद के सर्किट हाउस में लैंड करने के बाद वो निकले हैं अस्पताल के लिए, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुरान बर्क। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।